हाय नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल में। तो आज मैं आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, और जैसा आप जानते हैं आपकी डिमांड है कि साइको के ऊपर भी कुछ लेसन बनाए जाएं, और जैसा आपका सीटेट आ रहे हैं और इसके बाद डी ट्रिपल एस बी में भी काफ़ी वैकेंसीज आ रही हैं, तो बिल्कुल बेसिक से मैं आपको कराऊंगा और साथ में आप अपने सजेशन भी दे सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि साइकोलॉजी होता है क्या है, जो मनोविज्ञान होता है वो होता है क्या है, उसका जो वर्ड है साइकोलॉजी जो वर्ड है वो बना कैसे है, उसका मीनिंग क्या है। तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप वीडियो के साथ बने रहें और अपने कमेंट जरूर दें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे दूसरे चैनल का लिंक है, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। तो सबसे पहले यहां पे टॉपिक है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का मतलब होता है मनोविज्ञान, ठीक है। साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है? मनोविज्ञान। तो सबसे पहले जो साइकोलॉजी वर्ड है, जो ये शब्द है, लेटिन भाषा के दो शब्दों से मिलके बना है, मतलब लेटिन भाषा है उसके दो शब्द हैं उनसे मिलके बना है। कौन कौन से दो शब्द हैं वो? साइको या तो लोकिया या लोगोस, मतलब दो शब्दों से मिलके बना है, साइको प्लस लोगिया या लोगोस। तो साइको का मतलब क्या होता है? साउल मतलब आत्मा, और स्टडी। लोगोस का मतलब क्या होता है? स्टडी। साइको का मतलब होता है आत्मा मतलब साउल, लोगिया या लोगोस इसका मतलब होता है स्टडी मतलब अध्ययन करना। अब आप समझ सकते हैं साइकोलॉजी जो शब्द है लेटिन भाषा के दो शब्दों से मिलके बना है, साइको प्लस लोगिया या लोकस, ठीक है। अब हम बात करते हैं साइको का मतलब क्या होता है? आत्मा, और लोगिया लोगस का मतलब क्या होता है? अध्ययन करना, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसकी डेफिनेशन क्या निकली? साइको प्लस लोगस ये लोगिया, अब इसकी डेफिनेशन क्या निकली? डेफिनेशन यहां पे बन जाएगी आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय। अब इसके अनुसार क्या है जो यहां पे हम डेफिनेशन देख रहे हैं, जो हमने पढ़ा है, जो हमने इसकी हिस्ट्री देखी है कि साइकोलॉजी शब्द कैसे बना है, तो इसके अनुसार क्या है कि जो साइकोलॉजी शब्द है ये कैसे बना है? साइको प्लस लोगस, और इसके हिसाब से जो इसकी डेफिनेशन बनेगी वो क्या बनेगी कि आत्मा का अध्ययन करने वाला एक विषय, क्योंकि साइको का मतलब क्या हो गया? आत्मा। लोगस का मतलब क्या है? अध्ययन करना। तो आत्मा का अध्ययन करना या एक ऐसा विषय जिससे हम आत्मा का अध्ययन कर सकें, तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। या ऊपर आप देख सकते हैं मनोविज्ञान, मन मतलब मनो मतलब मन, विज्ञान जो साइंस, ठीक है, मन को समझने वाली एक साइंस, आत्मा को समझने वाली एक साइंस, इस तरह भी हम समझ सकते हैं। ओके, तो इससे आगे इसे देखते हैं, या थोड़ा सा आप इसे दोबारा समझ सकते हैं जो साइकोलॉजी शब्द कैसे बना है, लेटिन भाषा के दो शब्दों से मिलके बना है, ठीक है। साइको प्लस लोगिया ये लोगस, साइको का मतलब होता है साउल आत्मा, और लोगिया लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना स्टडी। तो इसके अनुसार क्या है? आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय, इसके अनुसार।